कांग्रेस में फिथुल गई, कांग्रेस में कोई नेता नहीं रहा। सब चल रहा है बढ़िया, अभी तक नहीं हुआ था 25 साल से। अब बीजेपी का विधायक बन गया, अब होगा विकास। अगर लोग संविधान सभा का चुनाव हुआ था तब पार्टी कांग्रेस सरकार बन रही थी, जनता चल रहा होता कहूंगा वो जीती। उनकी मध्य प्रदेश में 2900 सीट आने हैं। अभी हमने बरैया जी के दर्शन भी नहीं किए, संध्या राय तो मिल गई है दो चार बार। खत्म बरैया रैया कुछ नहीं होना, बीजेपी सॉलिड बीजेपी सरकार। जो दिल्ली से शुरू में देखने आते हैं, हमारे अभी कांग्रेस की सरकार विधानसभा में है, अब है बीजेपी की, अब चालू हुई है। अब देखो पंडित जी क्या करते हैं। कांग्रेस से बोल सिंह बरैया जी को हम तो वोट किसको देंगे? बीजेपी को। जरा ही यहाँ से जीतती आई, मतलब जब भी चुनाव आते हैं तो उनका बस एक ही वो रहता है कि चलो फिर घूम के आते हैं हम, तो जैसे ही चुनाव निकल जाएगा फिर उसके बाद वो दिखती तक नहीं है। केवल फॉर्म भरे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मीटर होता है टाइम, बस पेपर लीक हो जाते हैं, उन्हें कैंसिल करवा दिया जाता है, बस यही चल रहा है। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बीजेपी ने जो खाद पानी हमें कहा हो, खाद पानी टाइम पर मिल रहा है, बच्चन को खाए पीने को रात तक मिल रहा और काम मिल रहा। आपा भारत वर्ष में प्राइवेट शिक्षा है, सरकारी कहीं नहीं। क्या मजबूरी है आपको कि आपको बीजेपी कैसी भी हो लेकिन फिर भी वो विकास करेगी? वो बेरोजगार नहीं है, जो हलाल है वे बेरोजगार है, वो बेरोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है। बताओ कांग्रेस से जैसे बरैया जी को टिकट मिला है, बेकार आदमी है, बरैया को चीतर उड़ेंगे या केवल संध्या राय? इसके बारे में तो युवाओं को सोचेंगे समझेंगे वही बता पाए। आप भी युवा हो। हाँ तो ये बताएंगे ना, चुनाव आएगा उस टाइम पे बताएंगे। हमें तो ये लगता है कि इनमें से तो कोई है नहीं। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज। मैं हूँ आपका शेर सिंह कुशवाहा। आज हम लोकसभा सीट जिला भिंड के ग्राम मछंड में उपस्थित हुए हैं और आज हम यहाँ मछंड वासियों से होने वाले लोकसभा इलेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि लोगों का क्या रुझान है। हम आपको बता दें कि विगत 5 वर्षों से यहाँ बीजेपी सांसद संध्या राय जी बनी हुई थी और अब यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी को कांग्रेस ने अपना आशीर्वाद दिया है। हम लोगों से जानेंगे कि होने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों का क्या रुझान है, यहाँ का लोकप्रिय नेता कौन है। आइए चलते हैं जानकारी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलो, जैसा कि आपको पता है कि 2024 लोकसभा की तैयारी सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। यहाँ से बीजेपी सांसद संध्या राय और कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी को कांग्रेस ने अपना आशीर्वाद दिया है। आपको क्या लगता है लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार सही है? मुझे तो लगता है कि मतलब वैसे हमने देखा है पिछले 15 सालों में संध्या राय ही यहाँ से जीतती आई हैं और कभी मतलब उनको क्षेत्र में घूमते हुए तो कभी देखा नहीं है ना, तो इधर मतलब जब भी चुनाव आते हैं तो उनका बस एक ही वो रहता है कि चलो फिर घूम के आते हैं, अब तो जैसे ही चुनाव निकल जाएगा फिर उसके बाद वो दिखती तक नहीं है। क्या लगता है आपको यहाँ से संध्या राय की पसंद, जनता संध्या राय को पसंद करते हैं कि? तो इतने सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया है तो हमारे तो विचार यही है, इस बार मतलब प्रत्याशी थोड़ा चेंज होना जरूरी है। तो मछंड के लिए संध्या राय जी ने क्या विकास किया? मछंड में तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ विकास हुआ है। यहाँ की पहली पसंद कौन? पहली पसंद तो मतलब अभी 50-50 चांस है। और जैसे मैं फूल सिंह बरैया जो अभी वर्तमान में बांडर सीट से सांसद है, कांग्रेस ने जिला भिंड से उनको टिकट दिया, क्या लगता है बरैया सीट निकाल पाएंगे? अब मतलब कांग्रेस ने मतलब उनको इसलिए चुना है, अभी तक वो पिछली बार देवासी जारिया जी को टिकट दिया था, वो हार गए थे, तो इस बार उनका मतलब फूल सिंह बरैया बड़ा चेहरा है और बांडर क्षेत्र से विधायक भी हैं अभी प्रेजेंट में, तो अच्छा नाम है उनका, ये तो लगता है इस बार चांस लग रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा मोहन सिंह यादव जी को बना दिया, तो मोहन सिंह यादव के बनाने के बाद ओबीसी का वोट बैंक पर क्या असर, कितना बीजेपी को कितना परसेंट ओबीसी वोट बैंक बढ़ता है? ये तो जनता के ऊपर रहता है, उसको विचार मिल गए हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो हो सकता है कि वोट बैंक चला जाए, इस वजह से वो जीत सकते हैं, लेकिन जनता मतलब एक जागृत है तो फिर वो सोच समझ के ही अपना प्रत्याशी चुने। मछंड वासियों का रुझान किस तरह है? मछंड वासियों का तो अभी तो क्लियर नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ से कौन सीट का प्रत्याशी उम्मीदवार जो सीट हासिल कर सकते? बरैया जी। तो बरैया जी में अभी वर्तमान में भांडर से विधायक है, तो यहाँ पर बरैया जी मतलब लोगों से जनसंपर्क किया है बरैया जी? जी अभी तो नहीं आए लेकिन लास्ट साइड तो संपर्क
किया है और क्षेत्र उनका ही लगता है ये पूरा। तो भरैया जी मतलब पांडेय से विधायक तो थे, तो मतलब अभी विधायक बने हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा अभी मतलब कुछ महीनों में उनके क्षेत्र के हिसाब से तो बढ़िया रहा है। इधर तो अभी वो आए नहीं, उनका क्षेत्र इधर है नहीं, तो इस हिसाब से तो इधर तो बीजेपी जैसे 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या लगता है आपको 400 पार में कितनी सीट लाने के चांस? अब ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन मुश्किल है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 20-25, ज्यादा से ज्यादा। कौन सी सीट बीजेपी का सबसे मजबूत पक्ष है? अब इधर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ या शिवराज सिंह चौहान जी का, या बोल दो उनको दिग्विजय सिंह या ज्योतिराज सिंधिया गुना सीट, कौन ज्यादा? सिंधिया जी। और विगत 5 वर्षों में संध्या राय का कोई विकास कार्यकाल? नहीं, इधर कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि विगत वर्षों में जो बीजेपी मतलब बीजेपी की सरकार रही हो और अभी वर्तमान में भी बीजेपी, युवाओं के बारे में बीजेपी का क्या रुझान रहा है, युवाओं के जीवन में क्या काम? शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई काम हुआ ही नहीं, वैकेंसी भी आती है तो आके और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, फॉर्म भरे जाते हैं, केवल जॉब नहीं मिलती, यही चल रहा है बस, के अलावा तो कुछ होता ही नहीं। जैसे बीजेपी सरकार पर कितना असर पड़ेगा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया और पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है, ऐसे कई घोटाला हुआ, क्या कहना चाहते हो? अब इसके बारे में तो युवाओं को सोचेंगे समझेंगे वही बता पाएंगे। आप भी युवा हो? हाँ, तो अब ये बताएंगे ना, जब चुनाव आएगा उस टाइम पे बताएंगे। क्या लगता है इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं। क्या सीएम ओबीसी का सरकार ने बैठा रहा है, तो ओबीसी का वोट बैंक बढ़ेगा? ओबीसी का 50-50 चांस है, वैसे हो नहीं सकता ज्यादा बढ़े। तो युवाओं के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मतलब वैकेंसी वगैरह तो निकल रही है, भर्तियां भी हो रही है, केवल फॉर्म भरे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एग्जाम भी तो होता है, टाइम बस पेपर लीक हो जाते हैं, उन्हें कैंसिल करवा दिया जाता है, बस यही चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए सोचना चाहिए सरकार को कुछ। किसानों के बारे में सरकार का क्या रुझान? किसानों के लिए क्या है, कुछ नहीं, हर चीज ये है कि बढ़ाते जाओ और थोड़ा बहुत कम कर दो, उससे किसान को केवल वो चल रहा है कि जैसे और होता है ना कि ठीक है। आप में थोड़ा सर से जानते हैं, सर का क्या रुझान? हम तो बीजेपी वाले हैं। हाँ। तो बीजेपी का कार्यकाल बताइए, कोई ऐसा विकास कार्यकाल जो विगत 5 वर्षों में बीजेपी ने किया? बीजेपी ने जो खाद पानी हमें का और जरूरत है, खाद पानी टाइम पे मिल रहा है, बच्चन को खाए पीवे को रात अब मिल रहा, और का मिल रहा राशन पानी नहीं, वो ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में बताइए, आपके बच्चों को नौकरी मिली? प्राइवेट ही शिक्षा पूरे अपा भारत वर्ष में प्राइवेट शिक्षा है, सरकारी कहीं नहीं है। सरकारी क्यों नहीं है, सारे डिपार्टमेंट सरकार है, चालू है ही नहीं सरकारी में आते हैं। इसका क्या कारण है कि सरकारी मतलब नहीं है, सारे प्राइवेट कर दिए गए? सब भीड़ दसान है, केवल अधिकारी लोग हैं, सरकार दिल्ली से तुरंत देखने आते हैं। अरे तो वे आएंगे, वो नहीं आएंगे, लेकिन तो फिर अरे अधिकारी खुद सोचे, जो यहाँ पे हैं वे अधिकारी सोचे चाहिए, भिंड में संभाग में भोपाल में बेस्ट सोचे, दिल्ली विधानसभा के थ्रू सोचेंगे नहीं। क्या है, क्या नहीं। जैसे कि सरकार ने हर प्रत्याशी को अपना अपना उतारा है, जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, सब सरकार के हैं, तो क्या भोपाल या दिल्ली से वो लोग नहीं, मतलब जो छोटे स्तर में बैठा रहे, जैसे सरपंच हो गए हमारे इधर, अभी कांग्रेस की सरकार थी लाहौर विधानसभा में, है अब है बीजेपी की, अब चालू हुई है, अब देखो पंडित जी क्या करते हैं। नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विधायक था, सरकार तो बीजेपी की थी। हमारे घर की बात कर रहा है, अपने लाल क्षेत्र, लाल क्षेत्र में सरकार तो बीजेपी की थी ना, सांसद भी बीजेपी की रहे, सांसद उधर थे, यहाँ पे तो कोई जिला भिंड में, ये जिला भिंड में ही ग्राम लगता है, तो सांसद ने क्या किया? सांसद ने अब हमारे द्वारा तो अब कुछ नहीं किया। आप कैसे कह रहे हो कि बहुत कुछ किया बीजेपी? उनको बात, हम तो बर्तन में जो औरतों को जो मिल रहा है सब साधन, अपन को वही जरूरत है, किसान आदमी है, अपन को खाद बीज से मतलब है, आदमी टाइम पे मिल रहा है। हाँ, बस और क्या चाहिए। वैसे सड़क की स्थिति देख लीजिए, सड़क की स्थिति बेकार, पूरा गांव में पानी है, आ गया अभी 5 साल के पहले सर बता रहे हैं कि इनको खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, आटा रोटी सब कुछ मिल रहा है, इनको कोई समस्या नहीं आ रही है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हो, आपको क्या लगता है?
हमें तो ये लगता है कि इनमें से तो कोई है नहीं सही कैंडिडेट, क्योंकि आज 5 साल से 10 साल से मेरे अनुभव से भागीरथ हुए, काशीराम हुए, या ये आपकी क्या है वो अशोक गरगल हुए, और ये अभी जो संजय राय, ये इनमें से कोई आया ही नहीं अभी तक, कोई नहीं आया। तो फिर इनका विकास क्या हुआ? कुछ नहीं, जब हम देखेंगे तभी तो विकास के बारे में बताओ। तो आपकी पहली पसंद कौन है? अभी तो कोई नहीं है। जैसे कांग्रेस से फूल सिंह बरैया जी को टिकट दिया? बिल्कुल नहीं देंगे हम तो वोट। फिर आप वोट किसको दे? बीजेपी को। जब आपकी पसंद ही नहीं है, बीजेपी का कोई प्रत्याशी या आया ही नहीं है, तो आप किसको देना? मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है आपको कि आपको वोट? बीजेपी कैसी भी हो लेकिन फिर भी वो विकास करेगी, ये बात। क्या विकास हुआ है? क्या विकास नहीं हुआ आप बताइए, क्या विकास किया है? जैसे संजय राय जी 5 साल में सांसद भी रही हैं, तो उन्हें यहाँ तो आई ही नहीं है, और विकास क्या किया? हालांकि संजय राय जी नहीं आई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि विकास रुका हो। विधायक को उठा सक विकास हुआ है सर। यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ लगवा दी गई? नहीं, फैक्ट्रियाँ तो कोई नहीं लगवाएगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कोई भी हो, फैक्ट्रियाँ नहीं लगवा रही। तो यहाँ सड़कों की स्थिति भी गंभीर है। हाँ, यही बात सही है। फिर क्या विकास? विकास कुछ नहीं हुआ भाई, बता तो रहा हूँ कि जब कोई आएगा नहीं तो विकास कहाँ से होगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के लिए, और फिर मिलते हैं एक नई खबर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखा है आपने, हमने भिंड लोकसभा में कुछ लोगों से चर्चा की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर भिंड लोकसभा में किसकी लहर है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।